हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसमें हमने सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से मेंशन किया है, तो कुछ भी अलग से बताने की नीड तो होगी नहीं, आई होप। और जहाँ अगर कुछ अलग से जीएस का कोई पॉइंट बताने की नीड हुई तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो पूरी आप इसको देखना, पूरी वीडियो को, ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही के केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया है, मतलब उसकी मंजूरी की है। ये जो नई शिक्षा नीति है, ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मीन्स टू से कि 1986 में जो जारी की गई थी, यह शिक्षा नीति मतलब उसको प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि उसी के स्थान पर ये उसको चेंज करेगी, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। नीति जो है, यह शिक्षा नीति 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, तो कुछ भी अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था और इस समिति में 11 सदस्य थे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, इससे पहले सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर साल 2015 में एक कमेटी और बनाई थी, जिस कमेटी के जो प्रमुख थे वो थे टी एस आर सुब्रमण्यम, वो उस कमेटी के प्रमुख थे। लेकिन हुआ क्या कि उस कमेटी की जो भी सिफारिश थी, यानी कि जो भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दिए थी, उन पर कोई सरकार ने उनको माना नहीं था, यानी कि उन पर कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर रिलेटेड है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा के बारे में क्या राइट्स दे रखे हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तीन सूचियाँ दे रखी हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उसमें समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो तीनों सूचियां हैं, जिसमें समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। लेकिन इससे पहले ये राज्य सूची का विषय था 1976 से पहले। ठीक है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें क्या किया कि राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाला गया। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, केवल शिक्षा को ही नहीं डाला, इसके साथ पूरे छः विषय थे, जिसमें पांच और विषय हैं शिक्षा के अलावा, उनको भी राज्य सूची से लेकर के समवर्ती सूची में डाला गया था। वो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आपका वन था, नापतौल था, और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण था, और उसके अलावा न्याय का प्रशासन, संविधान, और जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, उनके अलावा जितने भी न्यायालय होते हैं उनका संगठन। ठीक है, एंड शिक्षा, ये पांच या छह पॉइंट थे जिनको समवर्ती सूची के में उनको जोड़ दिया गया था राज्य सूची से निकाल करके। सेकेंड है, भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अब 21A है तो डेफिनेटली कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि सबसे ये जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें आर्टिकल 45 के तहत ये एक मूल कर्तव्य था कि शिक्षा पाना एक मूल कर्तव्य था, शिक्षा देना। लेकिन अब क्या है, इसको 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनका शिक्षा लेना एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो कि किसके, कौन से संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो हम यहाँ जान लेते हैं। इस नीति के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6%, ठीक है, 6% हिस्से के बराबर निवेश रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा है, नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
इसी नीति के तहत कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, इस नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग भी की गई है। इस नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। इस नीति के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान व फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का सुझाव भी किया गया है। कोई भी जो पॉइंट है इसमें ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसे छोड़ दो, इसीलिए सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सब आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। इस नीति के तहत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 के बारे में बात की गई है, उससे बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, एमफिल प्रोग्राम को। इस नीति के तहत चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेगा। उसके बाद इसी नीति के तहत देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। और इस शिक्षा नीति के तहत एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी। इस नीति के तहत स्कूल शिक्षा 2020 और 21 के लिए एक नया और विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा यानी कि NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। इसी नीति के तहत हर राज्य और जिले में कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाल भवन को स्थापित किया जाएगा। इस नीति के तहत डिजिटल रूप से विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को संग्रहित करने के लिए एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी ताकि इन्हें अंतिम डिग्री के समय गिना जा सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ भी अलग से समझाने की मुझे नहीं लगता कोई नीड थी। बहुत ईजी वे में इनको ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।